तो दोस्तों, अगर आपका भी फ़ोनपे में ऐसा कुछ प्रॉब्लम देखने को मिला है, जैसे कि भी आप देख सकते हैं अनेबल टू प्रोसीड, तो इस वीडियो को दोस्तों देखने के बाद आपका ये प्रॉब्लम है जैसे कि अनेबल टू प्रोसीड, ये दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो को दोस्तों अगर आप एंड तक देख लेते हैं तो आपका ये जो प्रॉब्लम आ रहा है जैसे कि अनेबल टू प्रोसीड, आपका दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहले बढ़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे दोस्तों ये होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप हमारी वीडियो सबसे पहले वॉच कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आपका दोस्तों अनेबल टू प्रोसीड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है फोनपे एप्लीकेशन में, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों जैसे कि मैं इधर से मिनिमाइज कर लिया, तो जैसे कि दोस्तों मैं इधर से मिनिमाइज कर लिया एंड चलिए हम आपको दोस्तों बताते हैं कि दोस्तों आपको क्या करना होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको फोनपे एप्लीकेशन को कर लेना होगा ओपन। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं लॉगिन है, तो सिंपल मैं प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद अभी आप देख सकते हैं इंटर योर 4 डिजिट पासपोर्ट। तो जैसे कि दोस्तों मैं अपने इधर पासपोर्ट डाल दिया, पासपोर्ट डालने के बाद सिंपल मैं इधर लॉगिन पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद अभी आप देख सकते हैं अनेबल टू प्रोसीड। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम है क्यों क्रिएट होता है। जब दोस्तों अगर आप इधर प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करते हैं एंड आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि इंटर योर 4 डिजिट पासवर्ड, क्योंकि दोस्तों आप जब अगर आप गलत पिन एंटर करते हैं यानी कि फ़ोनपे का लॉगिन पिन अगर आप गलत एंटर करते हैं तब ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो सिंपल आपको फॉरगेट पासवर्ड इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसके जरिए दोस्तों आप फोनपे एप्लीकेशन में आप लॉगिन हो जाएंगे। दोस्तों आपके सामने 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जैसे कि लॉगिन विद ओटीपी, लॉगिन बाय सेंडिंग एसएमएस। अगर आप दोस्तों चाहते हैं एसएमएस के थ्रू अगर आप लॉगिन करने के लिए तो सिंपल आपको लॉगिन बाय सेंडिंग एसएमएस इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इस पर क्लिक कर देना होगा जैसे कि लॉगिन विद ओटीपी। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको देखने को मिलते हैं इंटर द 5 डिजिट ओटीपी सेंड टू, आपका जो भी मोबाइल नंबर हो इधर आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों आप जैसे ही आप अपने ओटीपी को डाल लेते हैं या फिर वो ऑटो कैप्चर हो जाता है तो दोस्तों आपका जो फोनपे एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाता है। और दोस्तों आप फोनपे एप्लीकेशन में आप इधर रिडायरेक्ट आप लॉगिन हो जाते हैं। तो दोस्तों कुछ ये था प्रोसेस जिसके जरिए दोस्तों आप फोनपे अनेबल टू प्रोसीड प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहले बढ़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपका एनी कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उधर आपको रिप्लाई दे दूंगा। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी से ही नेक्स्ट वीडियो में।